दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 150 अकाउंट अप्रेंटिस जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में निकला हुआ है। आपको बता दें कि नेशनल इंश्योरेंस एक इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये 100% गवर्नमेंट जॉब है, तो इसको आप अप्लाई करना ना भूलें। तो उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वैकेंसी कितनी है और इसकी लास्ट डेट कब है। तो वैकेंसी जो है वो 150 अकाउंट अप्रेंटिस का निकला हुआ है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्टार्टिंग डेट है 13 नवंबर से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 27 नवंबर है। तो 27 नवंबर से पहले आप अप्लाई करें और जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन है तो 13 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आप अप्लाई करके पेमेंट कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो दिसंबर या जनवरी में होगा, उसका कोई डेट डिक्लेयर पहले से नहीं है। तो जब भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएंगे। और जो एडमिट कार्ड आएगा वो 10 दिन के पहले आपको रिलीज कर दिया जाएगा जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा। तो देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। जो टोटल वैकेंसी है वो 150 वैकेंसी है, जो जनरल के लिए 27, SC के लिए 32, ST के लिए 9 एंड OBC के लिए 32 एंड PWD के लिए 3 है। उसके बाद जो वैकेंसी निकला हुआ है ये स्टेट वाइज निकला हुआ है, अलग अलग स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट में इतना वैकेंसी है और जो टोटल 150 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो 19 है, महाराष्ट्र एंड गोवा को मिला के 19 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद 2 इयर्स का एक सर्विस कंडीशन रहेगा, मीन्स यदि आपका इसमें जॉब होता है तो आपको 2 इयर्स का रहेगा और मे बी एक्सटेंड, मीन्स इन फ्यूचर में आपको जब 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद बढ़ भी सकता है, जो भी आप जॉब आपका बढ़ सकता है। जो फर्स्ट ईयर जो होगा वो आपको 25,000 मिलेगा पर मंथ, उसके बाद जो भी मेडिकल कवरेज। सेकेंड ईयर में आपको 30,000 मिलेगा पर मंथ, उसके बाद जो भी मेडिकल कवरेज है, वो जो भी अलग बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। एंड उसके बाद एंड लिखा हुआ तो ये मस्ट होता है कि हैव क्वालिफाइड द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, तो ये आपको पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 27 साल तक होना चाहिए। यदि उसके बाद यदि आप SC ST या OBC जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, बट ये जनरल के लिए 21 से 27 साल तक का एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारे गाइडलाइंस हैं कैंडिडेट के लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। वो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो सेम जैसे IBPS या IBPS में PO के लिए लेवल पे जो एग्जामिनेशन होता है उस लेवल का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल अकाउंटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का एग्जामिनेशन होगा, जो मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, 180 मिनट का होगा। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न है सेम जैसे IBPS में लेता है, तो उसके थ्रू फॉलो करके आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करें। और जब भी एग्जामिनेशन का डेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएंगे। और ये जो जैसे कि लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन दिसंबर या जनवरी में होगा, तो होपफुली जनवरी में होने की ज़्यादा चांसेस है। जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो SC ST के लिए 100 है और जनरल के लिए एंड दूसरे कैंडिडेट के लिए 600 है। जो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको
600 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति है, गुंटूर है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक सेंटर है जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, वो भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं वहाँ का सेंटर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा। तो एक कंप्लीट डिटेल था इस प्रोसेस के लिए, जो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद अपने डिटेल फिल कीजिए, उसके बाद फोटोग्राफर और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड कीजिए। वो 27 नवंबर से पहले आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।